नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या धाम में जश्न का माहौल है। जिधर नजर दौड़ाइए उधर ही लोग भजन कीर्तन करते हुए अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच देश में अलग अलग सर्वे भी किया जा रहा है, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में राम मंदिर बनने से कौन कितना खुश है। अभी हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक सर्वे आया था जो कि गुजरात में हुआ था, जिसके आधार पर कहा गया कि 74% मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है। हालांकि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे तो साफ समझ आता है कि वो भव्य अयोध्या धाम देखकर जल भून गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क, बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अयोध्या में भव्य तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो अयोध्या का मुसलमान फिर वहां पर क्या कुछ सोचता है। दरअसल लगातार ये कहा जा रहा है कि मंदिर बनने से अयोध्या में विकास की गति तेज हुई है, जिससे हर एक वर्ग को फायदा मिल रहा है। तो हमने भी जानने की कोशिश की कि अयोध्या का मुसलमान राम मंदिर बनने पर क्या कुछ सोच रहा है। इसीलिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद एनएफ न्यूज के संवाददाता रोहित जुगलान से बातचीत के दौरान जब ये सवाल किया गया कि अयोध्या का मुसलमान राम मंदिर पर क्या कुछ सोचता है, तो उन्होंने इसको लेकर बेहद विस्तार से जानकारी दी। सुनिए उन्होंने अयोध्या की धरती से क्या कुछ बताया है अयोध्या के मुसलमानों के बारे में। आता हूं। अयोध्या के मुसलमान क्या कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात हुई हो रोहित? थोड़ा पीछे नहीं, अयोध्या के मुसलमान मैंने बात करी, चाहे यहाँ पर जो भी लोग हैं और हर उम्र हर वर्ग के लोगों से बात करी मैंने, और उनका ऐसा कुछ भी मानना नहीं है। हालांकि हमने ये भी पूछा कि आप जामा मस्जिद को लेकर के बात जैसे आई थी कि भाई वो भी जो है दिया जलाने की बात कह रहे थे, यहाँ पर उस तरह की बात नहीं है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, छुट्टी का दिन है, उस दिन सब बाजार बंद रहेगा तो हम भी जो है वो बाजार बंद रखेंगे। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन उनमें कोई द्वेष नहीं दिखा, उनमें कोई नाराजगी नहीं दिखी इस सारी की सारी चीज को। विकास को लेकर के वो भी बोल रहे हैं कि भाई दुकान पहले कम चलती थी। उन्होंने मुझे उदाहरण के साथ बताया कि पहले अगर 1000 रुपए बिक्री होती थी तो अब 4000 रुपए बिक्री होती है दिन की। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग रोजगार को लेकर के सवाल उठाते हैं कि रोजगार कहाँ से आ रहा है, तो वो यहाँ आइए, स्थानीय दुकान वालों से पूछिए। और यहाँ पर आपको राम जी के अलग अलग कामों में अलग अलग लोग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक मुस्लिम भी दिख जाएगा जो राम जी के कपड़े बनाते हैं या फिर किसी और कार्य में संलिप्त है। ग्राउंड जीरो से मिली इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अयोध्या का मुसलमान भले ही बहुत ज्यादा खुश ना हो, लेकिन राम मंदिर बनने से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत और मलाल भी नहीं है, क्योंकि इससे उनके भी रोजगार और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और उनका भी विकास हो रहा है। तो ग्राउंड जीरो से आई इस रिपोर्ट के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अयोध्या का मुसलमान मंदिर बनने से बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि मस्जिद को लेकर आज भी मुस्लिमों में दर्द है। इसीलिए बार बार मुस्लिम समुदाय मस्जिद का जिक्र करके ये कहता रहता है कि हम उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसे में अयोध्या के मुस्लिम क्या कुछ सोचते हैं राम मंदिर बनने पर, इस पर आई ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आपकी राय क्या है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।